हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहानूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो बच्चे पार्टी, जल्दी से रिकॉल करिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बताया था। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में उसमें हमने 3 और 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया था। हमने प्रोटिस्टा भी पढ़ाया था आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। उसमें हमने आपको बताया कि प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिन्हें प्लांट्स एंड एनिमल्स के दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। समझिए मेरी बात ज़रा। पहले क्या होता था, पहले प्रोटिस्टा में एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, स्लाइम प्रोडक्ट सब उसी में आते थे। बाद में जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करा, जिसका नाम है मोनरा, मोनरा के अंदर सारे बैक्टीरियाज आए जो कि सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों होते हैं। तो जनरली बैक्टीरियाज की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है आर्की बैक्टीरिया, दूसरी होती है यू बैक्टीरिया। तो बच्चों ध्यान से सुनना ज़रा, आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्रिमिटिव वर्ल्ड में पाए जाते थे, जैसे गर्म पानी के झरनों में, ज़मीन के नीचे, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड सो ऑन। पर न्यू वर्ल्ड जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लेप्सिला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चों ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे से बताया था, ठीक। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर 6 इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ बच्चे पार्टी, लेट्स स्टार्ट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चे लोग, ये किसने दिया है? ये दिया है आर एच विटेकर ने, ठीक, 1969 में। आज भी हम यही किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, समझे। इन्होंने क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम में डिवाइड करा, विच इज अ मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ठीक है। तो इन्होंने नया किंगडम ऐड करा जो है फंगस, जो कि फंगस को हम मोनरा या प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते, ठीक। तो बच्चे लोग, इनका क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का सेल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब बात करें थैलस ऑर्गेनाइजेशन की। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो बच्चों डिफरेंशिएटेड का मतलब, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्रॉपरली शेप में दिख रहा है, इट मीन्स इट इज़ डिफरेंशिएटेड। और अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म है। तो थैलस के डिफरेंशिएटेड और नॉन डिफरेंशिएटेड के बेस पर, मतलब बॉडी शेप में है तो बॉडी डिफरेंशिएटेड है, अगर बॉडी शेप में नहीं है तो बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक। अब बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। खुद से खाना बनाता है या दूसरों पर डिपेंड होता है? रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक और रिलेशनशिप भी इन्होंने देखा, मतलब कौन वेल डेवलप है, कौन लेस डेवलप है, ये सब इन्होंने देखा। नाउ बच्चे पार्टी, लुक एट दिस फ्लो चार्ट। तो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने, आर एच विटेकर ने, 2 टाइप में डिवाइड करा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, जिनका न्यूक्लियस डिफरेंशिएटेड नहीं होता, जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसका जेनेटिक मटेरियल घूमता रहता है साइटोप्लाज्म में, उन्हें आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोनेरा, जिसमें वर्ल्ड के सारे बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रॉपरली शेप्ड में रहता है। इसके 2 एग्जांपल हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी यूकैरियोटिक हो सकता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है प्रोटिस्टा, जिसमें यूक्लिना, पैरामीशियम, अमीबा एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। अब मल्टीसेल्युलर में भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये याद रखिएगा। उन्होंने जो देखा, जैसे उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन डिज़ाइन किया है, ओके। सेल वॉल भी इनका एक क्राइटेरिया था। इसमें अगर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल है तो एनिमल है, अगर सेल वॉल है तो 2 किंगडम है।
तो फर्स्ट उन्होंने बताया कि जो खुद से खाना बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज प्लांटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और जो खाना दूसरों से लेते हैं जैसे कि फंगस, ये खाना दूसरों से लेते हैं, फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। Now moving on, earlier classification included bacteria, blue green algae, fungi, mosses, gymnosperm, angiosperm under plants. तो बच्चों पहला जो क्लासिफिकेशन था उसमें प्लांट्स के अंदर बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस को भी लिया गया। अगर मैं बात करूँ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो प्लांट के अंदर ही बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई आते थे, ठीक। बाद में इनके अलग अलग किंगडम बने, बैक्टीरिया के लिए मोनेरा, इसके लिए फंगस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स को हमने प्लांट किंगडम में रखा, ठीक है। Now next is all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. ध्यान से समझिएगा, मतलब जितने भी prokaryotic organism हैं, अगर मैं बात करूँ eukaryotic के लिए, we have different type of kingdom like Protista, fungi, animalia, plantae. But prokaryotic के लिए we have only one kingdom which is called as Monera. जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, तो मोनेरा में रहेंगे। अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं तो प्रोटिस्टा में रहेंगे। मेरी बात समझो बच्चों, अगर आप यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं तो रहेंगे किंगडम मोनेरा में, और अगर आप यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं तो आप रहेंगे प्रोटिस्टा में। समझ में आई मेरी बात? नाउ नेक्स्ट इज Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas chlorella with Paramecium and Amoeba in the animal kingdom which lack it. मेरी बात को ध्यान से समझना, जब हमने Kingdom Protista में algae भी ऐड करा था, याद होगा अगर आपको। एल्गी क्या है? Chlamydomonas chlorella, इसमें जो होता है क्लोरेला, ये एल्गी में बाद में आया, पर पहले ये प्रोटिस्टा में ही था, बाद में एल्गी में रखा, ठीक। पहले पैरामेशियम एंड अमीबा को भी रखा गया था प्रोटोजोआ में, बाद में इन्हें भी एनिमल किंगडम में अलग फाइलम बनाकर प्रोटोजोआ नाम देकर रखा गया। मेरी बात को फिर से समझो, पहले प्रोटिस्टा में एल्गी, पैरामेशियम, अमीबा को भी रखा गया था, बाद में क्लासिफिकेशन फिर से डाइवर्स हुआ, तो अमीबा, पैरामेशियम को प्रोटोजोआ में रखा गया और क्लोरेला वगैरह को एल्गी में रखा गया। तो पहले सब एक ही में थे, ठीक। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये पांच किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। नाउ बच्चे पार्टी, सेल का टाइप कैसा होता है? मोनेरा है तो प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा है तो यूकैरियोटिक, फंजाई में भी यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक। बस मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में यूकैरियोटिक है सेल का टाइप, ठीक। और नेक्स्ट है सेल वॉल, मोनेरा के पास सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब बात करें फंजाई की, फंजाई में सेल वॉल होती तो है पर इसमें सेल्यूलोज नहीं होता, विदाउट सेल्यूलोज होती है सेल वॉल। अब प्लांटी में भी सेल वॉल होती है, ये तो आप सबको पता है, ठीक, और इसमें सेल्यूलोज भी होता है, पर एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक। और फंजाई की सेल वॉल में सेल्यूलोज तो नहीं होता पर काइटिन होती है, जिसे आप चिटिन भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, क्योंकि लेस डेवलप न्यूक्लियस है तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, बाकी सब में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब में होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर है, बाकी सब में मल्टी सेल्युलर है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में मल्टी सेल्युलर होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक दोनों तरह से हो सकते हैं, फंजाई, एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक होता है, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो बच्चे आ जाओ अब नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट करते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को कार्ल वूज ने दिया था, ठीक है।
तो स्टूडेंट, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया जो मोनरा किंगडम में था उसको दो किंगडम में डिवाइड करा था, ठीक है। बाकी सब सेम है, बस मोनरा किंगडम को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में। एक था आर्की बैक्टीरिया, एक था यू बैक्टीरिया, ठीक है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया इज़ अ पार्ट ऑफ मोनरा एज वेल, ठीक है। हमने थोड़ा और क्लासिफाइड कर दिया, बाकी सब सेम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन एनिमिलिया, ओके। Now he separated the archaea bacteria from U bacteria on the basis of some major differences, as the absence of peptidoglycan in the cell wall of the former and the occurrence of branch chain lipids instead of a phospholipid layer in the membrane. ध्यान से समझना ज़रा, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को सेपरेट करने का जो रीज़न था वो था उनका सेल वॉल का कंटेंट, ठीक। अगर आपके पास पेप्टिडोग्लाइकिन है नॉर्मल सीधे चेन वाला, तो आप आर्की बैक्टीरिया हैं, समझे। अगर आपके पास पेप्टिडोग्लाइकिन है नॉर्मल सीधे चेन वाला, तो आप आर्की बैक्टीरिया हैं। और अगर आपके पास पेप्टिडोग्लाइकिन ब्रांच चेन वाला है, तो आप यू बैक्टीरिया हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल इन्होंने सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया है। अगर आपके पास सीधा पेप्टिडोग्लाइकिन है, तो आप पुराने वाले आर्की बैक्टीरिया हैं। अगर ब्रांच पेप्टिडोग्लाइकिन है, तो नए वाले हैं। नाउ बच्चे पार्टी, मूविंग ऑन। बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16S राइबोसोमल RNA जीन्स, Carl Wurz फाउंड दैट द सिक्स किंगडम नेचुरली क्लस्टर इंटू 3 मेन कैटेगरीज। तो किसके अंदर कैसा जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके बेस पर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो उसके बेस पर वी हैव 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इन्होंने जो पूरे बैक्टीरियाज हैं उनको 3 चीज़ों में बांटा। मेनली इनको 2 में पढ़ते हैं हम लोग, एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया। इन डोमेन्स को, जो बैक्टीरियाज को डिवाइड करते हैं, इन डोमेन्स को हम कहते हैं डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा, यू बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, आर्की बैक्टीरिया में भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। बस फर्क इतना है, आर्की बैक्टीरिया में पुराने वर्ल्ड वाले बैक्टीरियाज आते हैं, यू बैक्टीरिया में नए वर्ल्ड वाले बैक्टीरियाज आते हैं। और प्रोटिस्टा में आपको पता है क्या आता है, पता है ना, ऑर्गेनिज्म हु हैज़ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करें प्लांटी की, तो प्लांटी के अंदर ऑर्गेनिज्म हु ऑलवेज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है एनिमेलिया, आपको पता है ना हम लोग हैं। और फंजाई जो डेड एंड डिकिंग मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। सो इन दिस वी हैव स्टडी 5 एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बट फॉलो कौन सा करना है, ओनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन दी डिटेल। सो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye-bye.